नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम को इस टीम से साथ किया है ट्रेड। दोस्तों वो कौन सी टीम है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप आईपीएल 2020 को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2020 के लिए खिलाड़ियों को ट्रेड करने का सिलसिला जारी है। 14 नवंबर यानी आज खिलाड़ियों को ट्रेड करने की आखिरी तारीख है। आज से पहले रविचंद्रन अश्विन, मयंक मार्कंडे, जगदीश सुचित और शेफरन रदरफोर्ड ट्रेड हो चुके थे। टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 19 दिसंबर से होने वाली है और 15 नवंबर से रिलीज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोस्तों कृष्णप्पा गौतम राजस्थान रॉयल्स ने अपने ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम को ट्रेड कर लिया है। वह किंग्स 11 पंजाब में शामिल हो गए हैं और अगले सीजन से टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। कर्नाटक के गौतम इससे पहले मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं। आईपीएल 2020 से पहले हुई नीलामी में राजस्थान रॉयल ने गौतम को 6.20 करोड़ की बड़ी रकम देकर अपने साथ जोड़ा था। ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने के साथ ही वही निचले क्रम में आकर बड़े बड़े छक्के भी लगा सकते हैं। कृष्णप्पा गौतम ने बदले राजस्थान रॉयल को तेज गेंदबाज अंकित राजपूत मिले हैं। T20 में 3 बार 5 विकेट लेने वाले वह इकलौते भारतीय भी है। चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल डेब्यू करने वाले अंकित राजपूत को 2018 में पंजाब ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईपीएल 2013 में डेब्यू करने वाले राजपूत ने 7 सीजन में सिर्फ 23 मैच खेले हैं और इसमें उन्हें 22 विकेट मिले हैं। कृष्णप्पा गौतम राजस्थान रॉयल्स से पहले मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे, लेकिन वहां उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। राजस्थान रॉयल्स के लिए 2 सीजन में उन्होंने 22 मैच खेलते हुए 173 की स्ट्राइक रेट से 144 रन बनाने के साथ 12 विकेट भी लिए हैं। कृष्णप्पा गौतम के अलावा कर्नाटक के केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर और जगदीश सुचित की किंग्स 11 पंजाब का हिस्सा है। टीम के नए कोच अनिल कुंबले भी कर्नाटक से ही है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूंगा।